हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप सांत्रा एंड आप देख रहे हो ओनली फॉर डिजाइन। तो आज आपको दिखाएंगे विजेट्स क्या होता है। वर्डप्रेस में एक अच्छा फंक्शन है विजेट्स, ये बहुत अच्छा फंक्शन है, आप इसको यूज कर सकते हैं, ये बहुत काम का चीज है विजेट्स। तो आज दिखाएंगे विजेट्स हम कैसे यूज करते हैं। ये बहुत बेसिक लेवल का चीज है, तो कुछ आइडिया नहीं मिला था क्या करेंगे, तो आया विजेट्स, एक आइडिया आया विजेट्स कैसे बनाते हैं, विजेट्स का काम क्या है, तो वो हम आज दिखाएंगे। ठीक है, तो इतना सारा जो हम वर्डप्रेस के ऊपर वीडियो बनाए हैं, तो किसी में भी एक विजेट्स हम नहीं ऐड किया, तो आज दिखाएंगे विजेट्स हम कैसे ऐड करते हैं। तो पहले बोलता हूँ विजेट्स क्या होता है। देखिए, मान लीजिए लोगो, ये लोगो को हमको डायनेमिक करना है। ठीक है, यहाँ पे एक लोगो है, मान लीजिए यहाँ पे एक लोगो देंगे, जस्ट एक लोगो अपलोड करेंगे तो दो जगह अपलोड हो जाएगा, ऐसा मुझे करना है। ठीक है, तो पहले देखिए ये विजेट्स का एक है साइड बार, कहाँ चल जाएंगे, ए अपीयरेंस देन विजेट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ गया विजेट्स का। तो ये है मेन साइड बार एंड ये हम बनाया, ये डिफॉल्ट था मेन साइड बार एंड ये हम बनाया मेन लोगो बोल के। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल विजेट्स, यहाँ पे आर्काइव है, ऑडियो है, कैलेंडर, कैटेगरी, कस्टम एचटीएमएल, गैलरी, इमेज, मेटा, नेविगेशन मेनू, पेजेस, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट, आरएसएस, सर्च, टैग, क्लाउड, टेक्स्ट, वीडियो, बहुत कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, मेन लोगो यहाँ से मेन इमेज को हम यहाँ से ऐड कर दिया, यहाँ पे वो यहाँ पे आ गया। हम दिखाएंगे कैसे करते हैं आप, और एक चीज हम इसको हम जस्ट एक कोड लगता है, शॉर्ट कोड, जो हम शॉर्ट कोड यहाँ पे यूज किए है, शॉर्ट कोड को हम जस्ट कॉपी करेंगे, जाकर फुटर में लगा देंगे, फुटर में हम दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे भी फुटर में भी एक लोगो आ जाएगा, देखिए ये लोगो यहाँ पे आ गया, काला आ रहा है क्योंकि लोगो का कलर यहाँ पे कलर है, बैकग्राउंड व्हाइट है, यहाँ पे ब्लैक है, इसलिए दिख नहीं रहा। तो ऐसा हम ऐसे करके काम करते हैं। तो एक चीज बार बार कहीं पे बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक जगह करेंगे, जस्ट कोड दे देंगे वहां पे तो आ जाएगा। तो इसका काम है, विजेट्स का काम यही है। ठीक है, तो विजेट्स में बहुत टाइम बचता है, तो हम बनाया है एक विजेट्स ये लोगों के लिए। तो और एक विजेट्स हम बनाएंगे, देखिए क्विक लिंक, ये जो क्विक लिंक है ना, ये जो इंपॉर्टेंट लिंक, सोशल लिंक एंड सोशल लिंक, चार लिंक है, मान लीजिए ये तीनों हमको विजेट्स में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं, ये तीनों को एक विजेट्स में डालेंगे, या टोटल फुटर को एक विजेट्स में डालेंगे, नहीं तो ये तीन को एक एक करके तीन विजेट्स बनाएंगे, बना के एक तीन करेंगे, ये चार नंबर भी सेम है इसलिए इसको नहीं बनाएंगे, ये तीन को विजेट्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल बटन को भी प्रेस कर देना, तो जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, एंड हम फेसबुक का, मेरा जो फेसबुक पेज है उसका लिंक दे देंगे, प्लीज फेसबुक पेज पे जाइए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, तो वहाँ पे भी हम कुछ वीडियो अपलोड करते हैं, कुछ टॉपिक के बारे में बात करते हैं, तो प्लीज उसको भी लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट दिन हम और एक चीज बोल रहे हैं, स्टार्ट करने से पहले लास्ट दिन जो एक वीडियो अपलोड किया था, ये चैट बॉक्स, आप मेरा वो चैलेंज में जाके देख सकते हैं, चैट बॉक्स बहुत काम का चीज बनाया था, एक चैट लाइव चैट सपोर्ट कैसे लगाते हैं अपना वर्डप्रेस वेबसाइट में, लाइव चैट सपोर्ट या चैट जो भी बोलता है सब कैसे इंक्लूड करता है अपना और वर्डप्रेस वेबसाइट में, तो हम दिखाएंगे। तो आई बटन में भी लिंक दे देंगे एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, प्लीज जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम ये मेन साइट पर है, मेन लोगो है, तो ये डिफॉल्ट होता है। ठीक है, ये डिफॉल्ट कोड आपको मिल जाएगा, फंक्शन जो आपके पास जो फंक्शन फाइल होगा, या हम ये फाइल आपको अपलोड कर देंगे, आपको अगर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो ये फाइल हमको अपलोड कर देंगे आपको, तो वहां से आपको ये मिल जाएगा। डिफॉल्ट फंक्शन में ये कोड रहता है विजेट्स का, देखिए ये विजेट्स का कोड है, डिफॉल्ट ये रहता है, एंड इसको हम बनाए
लोगो के लिए, दिस वन फॉर लोगो, ओके ये लोगो के लिए एंड ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट ये रहता है। तो मान लीजिए हम इसको कॉपी करेंगे जस्ट रजिस्टर से, क्योंकि ये स्टार्ट है यहाँ से इतने तक, इतना तक है। अब मेरा एक विगेट्स, मतलब जो विगेट्स का फंक्शन होता है इसके अंदर ही हमको लिखना है, ठीक है, इस कोड के अंदर ही लिखना है जी। यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और ये लास्ट है, तो ये वाला लास्ट है, तो इसके अंदर है हमको जितना भी विगेट्स बनाना है इसके अंदर बनाना है, ठीक है। तो जाएंगे रजिस्टर को एक कॉपी करेंगे, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है पेस्ट। तो यहाँ पे है मेरा मेन साइड बार, तो हम यहाँ से चेंज करेंगे मेरा मेन साइड बार, क्विक लिंक कर देंगे साइड बार को, क्विक लिंक जस्ट चेंज टू क्विक लिंक्स। यहाँ पे देखिए आईडी है साइड बार वन, क्योंकि यहाँ पे हम दिए थे साइड बार वन, यहाँ पे साइड बार टू, या हम साइड बार थ्री भी दे सकते हैं, या और दूसरा कुछ नाम आप आईडी दे सकते, तो हम आईडी साइड बार थ्री दे रहा हूँ, ठीक है साइड बार थ्री। यहाँ पे देख सकते टाइटल, ये क्लास टाइटल है, बिफोर टाइटल एंड टाइटल, तो इसको अभी नहीं चाहिए मुझे, कोई टाइटल अभी डायनेमिक नहीं करना है। तो जस्ट हम क्या करेंगे इसको, इसको जस्ट हम कमेंट कर देंगे, ठीक है से। अभी ये देखिए यहाँ पे क्विक लिंक एंड साइड बार थ्री, अभी डैशबोर्ड पे जाएंगे तो डैशबोर्ड में देखिए दो तो साइड बार मेरा एक्टिव है अभी, अभी अगर रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो और एक साइड बार आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्विक लिंक एक साइड बार आ गया, क्विक लिंक। तो यहाँ पे क्या है, मुझे क्या चीज लेना है, यहाँ पे मुझे लिंक लेना है, ठीक URL 1 2 3 URL। तो हम यहाँ पे क्या कौन सा लेंगे, URL कहाँ है, टेक्स्ट वीडियो RSS इमेज, हम इस पे टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट एक टेक्स्ट टैग यूज करेंगे, टेक्स्ट यहाँ पे देखिए टेक्स्ट ऐड कर दिया, ठीक है। अभी क्या करेंगे करना है, जस्ट यहाँ से फुटर पे जाएंगे, फुटर जस्ट यहाँ पे जो होम पेज है जस्ट इसको कॉपी करेंगे, इसको काट कर लेंगे सर, यहाँ से काट कर लेते हैं एंड जाके टेस्ट के अंदर हम पेस्ट कर देंगे, टेस्ट के अंदर हम पेस्ट कर दिए, थोड़ा सा ये कर लेता हूँ घटा हुआ है, ऐसे करके आप थोड़ा सा ठीक कर ले इसको। और कहाँ पे पेस्ट करना है, हमको पेस्ट करना है टेक्स्ट पे, विजुअल पे पेस्ट नहीं करना है, टेक्स्ट पे पेस्ट करना है। देखिए यहाँ पे दो टो ऑप्शन है, एक टेक्स्ट है एक विजुअल है, तो हमको विजुअल पे पेस्ट नहीं करना है, जस्ट टेक्स्ट पे पेस्ट करना है। तो अभी यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये रिमूव दिखाएगा, जस्ट कुछ नहीं है। तो इसके लिए एक शॉर्ट कोड मिलता है, गूगल से भी आपको मिल जाएगा, ये जो मेरा जो कोड है वहाँ से भी मिल जाएगा, ये शॉर्ट कोड, जस्ट शॉर्ट कोड कुछ नहीं है, पीएचपी टैग के अंदर डायनेमिक अंडरस्कोर साइट पर जो उसके बाद जो आईडी है वो आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर देंगे, देखिए एंड आईडी चेंज कर देंगे साइट पर थ्री से। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए ये आ गया। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डॉट आ रहा है, इस डॉट को हम कैसे रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बिफोर विगेट्स एंड बिफोर आफ्टर विगेट्स एलआई से कनेक्टेड, तो हम इसको क्या करेंगे जस्ट डीप कर देंगे, एलआई के लिए वो डॉट आ रहा है, जस्ट इसको डीप कर देंगे तो डॉट चला जाएगा, ठीक है डीप सेव। अब जानते ही है यूएल एलआई में डॉट आता है, तो देखिए यहाँ पे डॉट चला गया, तो अभी ये मेरा डायनेमिक हो गया। अभी इसको हम कॉपी करके नेक्स्ट बटन में भी दे सकते हैं या नया बना सकते हैं। ये हो गया मेरा एक विगेट्स, देखिए विगेट्स टेक्स्ट क्विक लिंक। मान लीजिए और एक बनाएंगे नेक्स्ट, और एक तो आपको बना के दिखाते हैं, जस्ट इसको कॉपी कर रहा हूँ, क्विक लिंक के बाद क्या है इम्पोर्टेंट लिंक है नेक्स्ट वाला, ये इम्पोर्टेंट लिंक्स जस्ट कॉपी एंड चेंज द क्विक लिंक टू इंपॉर्टेंट लिंक
एंड साइड बार 4। ओके हो गया कंप्लीट। अब क्या करना है, जस्ट ये जो साइड बार 3 है मतलब शॉर्ट कोड है, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड यूएल को कट कर लेंगे। कट करके यहाँ पे एक रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा इम्पोर्टेंट लिंक। यहाँ इसके अंदर हम देंगे टेक्स्ट को, टेक्स्ट देन टेक्स्ट पे जाएंगे देन पेस्ट कर देंगे देन सेव। अभी रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे होम अबाउट वर्क सेम आ रहा है, क्योंकि मुझे हमने चेंज नहीं किया। साइड बार 3 है, देखिए यहाँ पे साइड बार 3 एंड साइड बार 3 है, उसको 4 करना है, 4 कर देंगे तो ये चेंज हो गया। हाँ देखिए अभी जस्ट यहाँ से हमको लिंक दे देना है, अगर लिंक दे देंगे तो मेरा वहाँ पे भी लिंक कनेक्ट हो जाएगा, जस्ट यहाँ से लिंक दे देना है। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम विगेट्स यूज, ये टेक्स्ट विगेट, हम इमेज विगेट्स भी ऐसे सेम यूज किए ये लोगों के लिए। यहाँ पे गैलरी यूज कर सकते, कस्टम एचटीएमएल यूज कर सकते, कैलेंडर यूज कर, बहुत कुछ है। आप एक बार ट्राई कीजिए, आपके घर में खुद से ट्राई कीजिए। अब जब तक खुद से ट्राई नहीं कीजिएगा आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। आप जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है खुद से ट्राई कीजिए उसको सॉल्व करने के लिए, एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। जो आप सॉल्व करते करते बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब एक्सपीरियंस लोगों को एक्सपीरियंस जो बोलता है, ये बंदा बहुत एक्सपीरियंस है, एक्स्ट्रा कुछ इंस्टीट्यूट से सीख के नहीं आता। वो लोग क्या करता है, जब भी फील्ड में काम करते हैं तो नया कुछ सीखता है। काम करते करते बहुत प्रॉब्लम फेस करता है, उस प्रॉब्लम को जब वो सॉल्व करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। इससे बोलता है बंदा एक्सपीरियंस है। अब भी जो इंस्टीट्यूट से सीखेंगे, यूट्यूब से सीखेंगे, वो बंदा भी तब यूट्यूब से और होगा इंस्टीट्यूट से सीखा था, सेम चीज़ सीखा था। जस्ट फर्क है ये, वो 2 साल एक्सपीरियंस है, मतलब 2 साल जो भी काम किया, 2 साल से प्रॉब्लम फेस किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया करके आज तक आज यहाँ पे है। और आप नया है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, इसलिए आप नया है। इसलिए आपको बोल रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज़ खुद से सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए, यूट्यूब देखिए, ऑनलाइन गूगल सर्च कीजिए, बहुत कुछ है आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई कीजिए खुद से, अगर नहीं हो पाएगा तो हम आपको सॉल्व करके देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हम मेरा अकाउंट का, मेरा जो पर्सनल है फेसबुक अकाउंट है उसका लिंक दे देंगे, गूगल फेसबुक का जो पेज है मेरा ओनली फॉर डिज़ाइन जो पेज है उसका भी लिंक दे देंगे। प्लीज़ फेसबुक पेज पे लाइक कर लीजिएगा, मेरा फेसबुक जो पेज है उसको लाइक कर लीजिए एंड मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, इफ़ एनी इशू प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड जो पास में जो बेल बटन है उसे क्लिक कर दीजिएगा, तो जब भी नया वीडियो बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।